गाइस प्याज तो हम सभी खाते हैं, इसका यूज हम सब्जी में और सैलड में करते हैं। बहुत से लोगों का तो खाना भी प्याज के बिना नहीं होता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं। समर सीजन में तो इसके प्राइस हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइस डोंट वरी, अब गर्मियों के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झंझट के प्याज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। थंबनेल देखकर तो आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि इस वीडियो में आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप साल भर तक बिना झंझट के प्याज को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस यूनिक वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि प्याज को प्रिजर्व करने के लिए हमें किस तरह के प्याज चाहिए। आपको लेना है एकदम साफ सुथरा प्याज, क्योंकि अगर इस पे एक भी दाग धब्बा होगा तो आपके प्याज खराब हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई प्याज गला हुआ है तो आप उसे निकाल कर हटा दें, क्योंकि इससे आपके बाकी के प्याज भी खराब हो सकते हैं। अगर आप डेली यूज के लिए भी प्याज लेते हैं ना, तो ऐसे प्याज को आप बाकी के प्याजों से दूर रखें। विंटर सीजन में अक्सर प्याज थोड़े सस्ते होते हैं, तो आपको यही टाइम है जब आप गर्मियों के लिए प्याज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्याज को इस तरह से छील लेना है। जितने प्याज का यूज आप करते हैं, आप उसी हिसाब से अपने प्याज को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें हम प्याज का यूज नहीं करते, और बहुत सी ऐसी सब्जियां जो प्याज के बिना तो बन ही नहीं सकती। प्याज को छीलने के बाद इस तरह से कट कर लें। आप इसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। अगर आपको प्याज कटने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से भी प्याज को ग्रेट कर सकते हैं। इससे आपका काम इजी भी होगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने बहुत सारे प्याजों को कट कर लिया है। और अब आपको करना क्या है, आपको एक मिक्सर जार में सारे प्याज को डाल देना है। अब आपको इसका पेस्ट बनाना है, लेकिन हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे सिर्फ पल्स मोड पर चलाते हुए ग्राइंड करना है। देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैंने दरदरा से ही पीसा है। अब इस पेस्ट को एक प्लेट में रख देंगे, चाहे तो इसके लिए किसी भी एयर टाइट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। गाइस हमने इसका फाइन पेस्ट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अगर हम इसका फाइन पेस्ट बनाते तो वो इधर उधर बह जाता। इसके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ऐसा बॉक्स या कंटेनर लेना है जिसमें से आप इजीली प्याज को निकाल कर यूज कर पाए, यानी कि जिस बर्तन का मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो। अब आप इस प्लेट में रखने के बाद इस प्लेट को फ्रीजर में रख दें, जिससे कि ये पूरे प्याज जम जाएंगे। अभी इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमारा दूसरा आइडिया क्या है। इसमें भी आपको प्याज को एक मिक्सर जार में डालना है और उसमें डाल देना है थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। दोस्तों ऑयल हमने इसलिए डाला है कि इसे डालने से आपके प्याज साल भर तक खराब नहीं होंगे। तो देखिए इस मेथड में हमें प्याज का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। और अब ले लेनी है आपको एक आइस ट्रे। अब देखिए मैं प्याज के पेस्ट को आइस ट्रे में भर रही हूँ, क्योंकि आइस ट्रे से आप इसे निकाल कर इजिली यूज कर पाएंगे। अगर आप इसे कांच के जार में फिल करते हैं तो उसमें से आपको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जमने के बाद आसानी से निकलता नहीं है। और कांच की बोतल का मुंह थोड़ा छोटा होता है और जिसमें से पेस्ट निकालते समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से आइस ट्रे में या फिर किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन में ही भर कर रखें। और गाइस सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप इस पेस्ट को आइसक्रीम मोल्ड में डालकर रखें। इस पेस्ट को आइसक्रीम मोल्ड में जमाने से आपको इसे निकालते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें स्टिक भी होती है जिससे आप निकाल कर आसानी से इसे यूज में ला सकते हैं। देखिए मैंने आइसक्रीम मोल्ड में इस पेस्ट को भर दिया है और अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी। इस तरह से प्याज को प्रिजर्व करके आप पूरे साल भर तक प्याज यूज भी कर पाएंगे। इसे आपका टाइम और मेहनत दोनों की बचत होगी। अब पेस्ट को आइसक्रीम मोल्ड में भरने के बाद इसकी स्टिक लगा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है गाइस, जिससे आप प्याज को पूरे साल भर तक आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब आप इस मोल्ड को भी फ्रीजर में रख दें। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको कि हमारे प्याज सेट होने के बाद कैसे दिख रहे हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट पेस्ट जो हमने प्लेट में सेट होने रखा था। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कितने हार्ड हो गए हैं।
और इसे निकालना भी इतना इजी है कि आप इसे हल्का सा हिलाएंगे तो ये आसानी से निकल आता है। अब आसानी से इन प्याज का यूज आप किसी भी सब्जी में कर सकते हैं। ऐसे प्याज उन सब्जियों में यूज होते हैं जिनमें हमको ग्रेवी कम चाहिए होती है, क्योंकि हमने इसे दरदरा पीसा था। अब चलिए देखते हैं कि आइस ट्रे वाले पेस्ट का क्या हाल है। तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है, क्योंकि हमने इसका फाइन पेस्ट बनाया था। तो इस तरह के प्याज का यूज आप ग्रेवी वाली सब्जी में कर सकते हैं। आइस ट्रे से निकालना भी इसे कितना इजी है, हमने हल्का सा इसे पुश किया और ये आसानी से बाहर निकल आया। ट्रे में नीचे से रबड़ लगी है इसलिए ये आसानी से निकल आ रही है। अगर आपको आइस ट्रे से निकालने में कोई दिक्कत आती है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे पानी में भिगो दें, जिससे इजीली आपका पेस्ट बाहर निकल आएगा। मैंने सारे पेस्ट को डीमोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे किसी जिप लॉक बैग में या फिर इस तरह की पॉलिथीन में डालकर रख दूंगी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो आप उसमें इसे भर के रख दें। और इसे पॉलिथीन में अच्छे से पैक करने के बाद मैं वापस से इसे फ्रीजर में रख दूंगी। गाइस, आप भी इसी तरह से पॉलिथीन में या फिर किसी जिप लॉक बैग में इसे पैक करके रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज करना हो आप इसमें से पेस्ट को निकाल कर आसानी से किसी भी सब्जी में डालकर यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आइसक्रीम वाले पेस्ट का क्या हाल है। तो वाओ गाइस, देखिए कितनी आसानी से पेस्ट आइसक्रीम स्टिक में सेट हो गया है। अब देखिए इसे यूज करना भी कितना आसान है। जितना पेस्ट का यूज आपको करना है आप निकालिए और यूज करिए, और बाकी के पेस्ट को वापस से फ्रीजर में रख दें। तो है ना गाइस, आप बिना टेंशन के आप गर्मी में प्याज का यूज कीजिए और बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाकर खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।